गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड, और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र सिंह, और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वीडियो में हमने आर्कियोबैक्टीरिया की स्टडी की थी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली जो कंडीशन होती है इनकी हार्श कंडीशन होती है, और ये जो हेलोफाइल्स होते हैं साल्टी एरियाज में हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स हैं हॉट स्प्रिंग्स में हैं, और जो मैथनोजेंस हैं मार्सी एरियाज में। फिर हमने बताया था जो मीथेनोजेंस हैं वो रिमनेंट एनिमल्स के गट में होते हैं। चलिए, तो फिर आज हम डिस्कस करते हैं यू बैक्टीरिया। देखिए, यू बैक्टीरिया की हम स्टडी करने जा रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, तो है क्या? दीज आर करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल इफ फ्लैजलम, ठीक है। एंड यू बैक्टीरिया वास्तव में बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर जो कोश की भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, और एक कसाब होता है, ठीक है, के द्वारा इनकी की जाती है, इनकी जो पहचान होती है सेल वॉल के द्वारा, और रिजिड सेल वॉल के द्वारा, और जो फ्लैजला होता है मोटाइल फ्लैजलम उसके द्वारा, ठीक है। चलिए, अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिनको कि रिफर करते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो जब देखिए, ये क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और इनमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो ग्रीन प्लांट के, जैसा कि ग्रीन प्लांट में होता है क्लोरोफिल, वैसे ही भी इनमें पाया जाता है, जो हरे हरे पौधे हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है, इन्हीं की तरह इनमें भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको नीले हरे शैवाल बोलते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल ए होता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनका। जो देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एक बात याद करना। दूसरी, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, मैराइन होते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, ठीक है, यानी मैराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं, और कॉलोनियल होते हैं, यूनिसेलुलर इनका होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया एक कोश की होते हैं, कॉलोनी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, और इनका जो स्थली भी होते हैं, और साथ साथ में ये आपके मैराइन भी होते हैं, तो ठीक है। इनकी जो कॉलोनी होती है वो जनरली जिलेटियस सीथ से सराउंडेड होती है, यानी कॉलोनी साथ जनरली सराउंडेड बाय जिलेटियस सीथ, ठीक है। दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोलोटेड वाटर वॉड्यूस, तो ये ब्लूम बनाते हैं इस तरीके से, जो इनका जो जो ब्लूम बनाते हैं प्रदूषित जल में, बहुत ही फलते फूलते हैं, और वहाँ पर ये ब्लूम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटरोसिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें यू बैक्टीरिया में। जो हेटरोसिस्ट होती है वो जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, और ये नोस्टाक और एनाबीना में होती है, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कि नोस्टाक और एनाबीना है, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। हेटरोसिस्ट जो होती है पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। अब जो कुछ रासायन संश्लेषी बैक्टीरिया भी, रासायन संश्लेषी ऑटोट्रॉप भी होते हैं, यानी कि जो कुछ होते हैं जो रासायन संश्लेषी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर, उनको ऑक्सीकृत कर देते हैं, और उनसे जो ऊर्जा उपयोग में, यानी कि मुक्त ऊर्जा जो होती है उनके उपयोग एटीपी के उत्पादन में करते हैं, ठीक है। यानी अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइज इनको ऑक्सीकृत करते हैं, और इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपयोग एटीपी के प्रोडक्शन में करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या, दे प्ले ए रोल, ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो नाइट्रोजन के, फास्फोरस और सल्फर में, सल्फर के ये इनमें ये क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर जैसे जो पोषक पोषक होते हैं, इनको ये पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो था हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और केमिसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर,
ठीक है, प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं ये हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, यानी कि जो होते हैं ये हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अधिकतर जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लैग्यूम। ठीक है, तो ये दूध से दही को बनाने में, प्रतिजैविक एंटीबॉडी के उत्पादन में, और लैग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये सहायक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ तो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, रोग जनक होते हैं, जैसे कि मनुष्यों में और फसलों में और जो पालतू जानवर हैं उनमें ये रोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ कौन कौन से होती हैं, कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर है, ये सभी की सभी डिसीज़ किससे होती हैं, बैक्टीरिया से। तो ये आपको याद करना है। फिर हम बात करते हैं, देखिए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन। ठीक है, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, यानी कि बैक्टीरिया जो है कोशिका विभाजन जिनका जो होता है प्रमुख रूप से, ठीक है, बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं प्रमुख रूप से, क्या करते हैं, वाई फिजन। ठीक है, रिप्रोड्यूस मेनली वाई फिजन, ये याद करना है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, ये स्पोर बनाएंगे। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मिड के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि जो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर होता है यहाँ से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो मेनली रिप्रोड्यूस होता है बाई बाई द फिजन होता है, और सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा में आपको एक बात ये याद रखना है कि ये कम्प्लीटली लेक ऑफ सेल वॉल होते हैं माइकोप्लाज्मा। दे कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती। ये चीज़ आपको याद करना, बहुत ही अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट में रोगजनक का काम करते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं दूसरे किंगडम, जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जो कि आप तो लोग जानते हैं। तो प्रोटिस्टा की खास बात ये होती है कि यूनिसेलर और यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ए सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, सभी एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं, इनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, ये बात आपको याद करना है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको रखा गया है, सिंगल, ठीक है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं, इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। चलिए ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई हैं। प्रोटिस्टा की ठीक तरह से सीमाएं जो इनकी निर्धारित नहीं हो पाई हैं। दे मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी ए प्लांट टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक वैज्ञानिक के लिए तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं और दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन टू ए बायोलॉजिस्ट, मे बी ए प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रैसोफाइटा, डायनोफ्लाजलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोएंस अंदर अंडर प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या क्या है, क्रैसोफाइट्स हैं, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे डायनोफ्लाजलेट्स की, यूग्लिनाइट्स की, स्लाइम मोल्ड्स की और प्रोटोजोएंस की अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो पांच कैटेगरी में इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रिमली एक्वेटिक होते हैं। दे दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्राथमिक रूप से जो होते हैं ये जलीय होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित जो केंद्रक होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि क्या होगा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सम हैव फ्लैजला और सीलिया, कुछ में फ्लैजला और सीलिया होते हैं।
प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। तो ठीक है, ये अलैंगिक और कोशिकी संलयन, यानी कि सेल कोशिकी संलयन का मतलब क्या हो जाएगा, सेल फ्यूजन माने कोशिकी संलयन, और जायगोट फॉर्मेशन यानी कि ये अलैंगिक तथा कोशिकी संलयन और जायगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन। यानी सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, बाय द सेल फ्यूजन और बाय द जायगोट फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको याद करना है। तो इनके अंतर्गत डाइटम्स और जो गोल्डन एल्गी हैं जिसको डेसमिट्स बोलते हैं, डेसमिट्स, ये आपको याद करना है, इनको रखा गया। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट, यानी कि जो फ्रेश वाटर में भी होंगे और समुद्र में भी, लवड़ी यानी समुद्री पर्यावरण दोनों में ही पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन भी होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंकटन, तो ये सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ ऐसे निश्चिष्ट रूप से ऐसे ही पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बहुत जो होते हैं, अधिकतर जो होते हैं ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डाइटम्स सेल वॉल्स फॉर्म ए टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच इज टूगेदर एज ए सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होता है उसी तरीके से इनका जो होता है एक दूसरे में एक इस तरीके से ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ इमेडेड विथ सिलिका एंड दस वालास इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि जो इनकी भित्तियों में क्या होता है, सिलिका होता है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। ठीक है, दस डायटम्स लेफ्ट हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट, तो इसके जब ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं यानी कि इनका जो नष्ट नहीं होते हैं, तो ये जो मृत डायटम्स होते हैं अपने अपने परिवेश में, अपने वास स्थान में कोशिका भित्ति के बहुत अवशेष जो है बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। ठीक है, नष्ट नहीं होते हैं तो अपने जो अवशेष होते हैं बहुत बड़ी संख्या में अपने वास स्थान में छोड़ देते हैं। तो दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर ये रिफर टू ए डायटोमियस अर्थ, तो डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है, बहुत बहुत करोड़ों वर्ष में जमा हो जाते हैं, करोड़ों वर्षों से जमा होते रहते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो ये डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देते हैं। बींग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज टू पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सीरप, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस, तो कड़मे होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, यानी कि जो इस तरीके से जो होती है ग्रिटी होती है यानी कड़कामय होती है, तो इसका उपयोग पॉलिश करने में, तेलों और सिरप के निषंदन में, ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन में करते हैं, तेल और जो सिरप हो तो इनकी फिल्ट्रेशन, क्योंकि इनकी कड़कामय होते हैं, ठीक है, ग्रिटी होते हैं, तो इनको पॉलिश में और तेल और सिरप जो होते हैं उनके फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, यानी डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनोफ्लाजेट्स, यूग्लियोनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे चलते चलते क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये इनका आपको बताना है, एक स्मॉल ब्रीफ आपको बताना है, ठीक है, क्राइसोफाइट्स का कि कैसे होते हैं ये, और आपको ये बताना है कि जो नोस्टाक और एनेबिना होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है, और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको दो पॉइंट ज़रूर बताना है कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।